हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। वेल गाइस, आज आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा आप सबके लिए हेयर पैक लेकर आ रही हूं। आप सबके ढेर सारे कमेंट की हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे बाल लंबे नहीं होते, मुझे अपने बालों को लंबा करना है। तो आज का इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं बहुत ही अमेजिंग सा एक हेयर पैक आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्ग्रीडियंट्स का जितना भी इस्तेमाल किया गया है बेहद अमेजिंग है और इसके रिजल्ट आपको सिर्फ 2 हफ्ते में ही मिलने लगेंगे। इस टॉपिक के लिए मेरे पास कई बार कमेंट आए कि दी प्लीज हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं। तो गाइस, आज मैं जो आपके साथ एक पैक शेयर कर रही हूँ ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, के अलावा ये आपके बालों को लंबा और घना भी बनाएगा। तो आज का वीडियो आप सबके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ, बहुत ही हेल्पफुल है गाइस। इसलिए मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाती है आप सबके लिए और अच्छा करने की। चैनल पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि अमेजिंग सा हेयर पैक हमें किस तरह से बनाना है। इस पैक के लिए गाइस, सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड की, जो हम सब के किचन में ईजिली मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हम अपने खाने में, सब्जियों में करते हैं, ठीक है। तो हमें 2 चम्मच ले लेना है यहाँ पे मेथी दाना। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच मेथी दाने की ले लिए हैं और 1 चम्मच भरकर हमें इसमें कलौंजी ऐड कर देनी है। मेथी दाना गाइस आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे अमीनो एसिड से भरपूर होता है। यह हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसके इस्तेमाल से हमारे बाल लंबे और घने बनते हैं। और इसके अलावा कलौंजी में भरपूर मात्रा में ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को काला, लंबा और घना बनाती है। अगर आप कलौंजी का प्रॉपर तरीके से अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच हमने ले ली है कलौंजी, और इतना पानी हमें इसमें ऐड कर देना है कि ताकि ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह से इसमें भीग जाएं। ओवरनाइट इन दोनों चीज़ों को हमें सोक करके रख देना है गाइस। मॉर्निंग में आप जब देखेंगी तो ये हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से भीग कर फूल चुकी होंगी। अब हमें ले लेना है मिक्सर का जार और इन दोनों चीज़ों को हम उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट जो हमें इसमें ऐड कर देना है गाइस वो है 1 टीस्पून, 1 बड़ा चम्मच भरकर दही, ठीक है। दही लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, अगर खट्टे दही का आप यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, इसके अलावा बालों को सिल्की और शाइनी स्मूथ बनाता है। दही का इस्तेमाल बालों पे करने से ये हमारे बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें जो लेना है वो है आंवला पाउडर, जो कि विटामिन सी का खजाना होता है। आंवला पाउडर हमारे बालों को काला, लंबा और घना बनाता है। इसके अलावा हमारे बालों के लिए एक वरदान, अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो ये ग्रेस की प्रॉब्लम को ख़त्म करके हमारे बालों को काला, लंबा और घना बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टीस्पून हमने आंवला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है गाइस। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही स्मूथ सा, फाइन सा पीस कर पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा ये हमें पेस्ट मिल गया है इन सारी चीज़ों का। अब इसे एक बाउल में हमें निकाल लेना है। बाकी का अगर ये पेस्ट आपका बच जाए तो इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख दें, नेक्स्ट टाइम जब इसे आपको लगाना हो तो ये आप फ्रिज से निकाल कर अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में जो हम इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करने वाले हैं गाइस वो है कैस्टर ऑयल। ये बहुत ही थिक होता है, हमारे बालों की थिकनेस को बढ़ाता है यानी हमारे बालों को घना करता है। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो उसके लिए आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करके अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। बालों को स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। बहुत ही अमेजिंग सा ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाइस। तो ये हमारा गाइस बहुत ही अमेजिंग सा हेयर पैक बनकर तैयार है, जो कि ना सिर्फ हमारे बालों को काला, लंबा और घना बनाने वाला है बल्कि इससे हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। इसके इस्तेमाल का तरीका जानना बेहद ज़रूरी है। तो गाइस, इस हेयर पैक को आपको अपने बालों के सेक्शन में डिवाइड करते हुए सबसे पहले अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आप अपने बालों की लेंथ के ऊपर इसे अप्लाई कर ले। पूरे बालों को इस पैक से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। जड़ों में अच्छी तरह से इस पैक को आपको लगा लेना है। इसके बाद आप अपने बालों को टाई कर ले और 1 घंटे तक के लिए इस पैक को यूं ही लगा रहने दें। तो जब तक ये पैक हमारा लगा हुआ है गाइज, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अमेजिंग सा एक हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आप सबने कई बार मेरे पास कमेंट किया है कि कोई अच्छा सा हेयर ऑयल हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का भृंगराज हेयर ऑयल, द किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से जिसे जाना जाता है।
भृंगराज गाइस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को काला लंबा और घना बनाता है। बट ये पौधा मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि अक्सर इसे हम नमी वाली जगहों पे पाते हैं, ठीक है। इसका काम होता है हम ग्रोथ को बढ़ाना, इसके अलावा बालों की ग्रेस की प्रॉब्लम को ख़त्म करना। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे हैं या फिर झड़ने लगे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, ड्राई है, रफ़ है, बेजान है, तो उसके लिए आप भृंगराज का इस्तेमाल करती हैं तो आपके बालों का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होने लगता है। इसके अलावा ये आपके बालों को काला बनाता है, लंबा करता है, घना बनाता है। इसमें उसी भृंगराज की पत्तियों का यूज किया गया है जिसे हम किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है गाइस, वाओ स्किन साइंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मैंने अपने लिए पर्सनली मंगाए, इसलिए कि ये बिना किसी केमिकल के हैं, विदाउट एनी कलर, पैराबीन, सल्फेट के इसे बनाया गया है, ठीक है। किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप इसका आँखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों का मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। और आप जानते हैं कि कभी भी मैं जब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ, जब तक मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर लेती, आपके साथ उसको मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो पर्सनली इसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप भी अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बॉडनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, तो इस तरह में आप वाओ स्किन साइंस का भृंगराज हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह के एप्लीकेटर के साथ मिलता है जिससे आपके बालों में हेयर ऑयलिंग करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो बालों की जड़ों में इस एप्लीकेटर को लगाने के बाद आप ऑयलिंग अच्छे तरह से कर सकते हैं, एक एक जड़ में अच्छी तरह से आपके ये ऑयल लग जाएगा। एप्लीकेटर को लगाने का तरीका ये है कि इस बॉटल को आप कुछ इस तरह से ओपन कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद इस एप्लीकेटर को आपको ऐसे करके फिक्स कर देना है इस बॉटल के ऊपर, ठीक है। ये एप्लीकेटर हमारा लग गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने एक घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लिया है, ठीक है। वॉश करने के बाद आप अपने बालों को ड्राई कर लें, छोटे छोटे सेक्शन में अपने बालों को आप डिवाइड करें। उसके बाद अपने स्कैल्प के ऊपर, ये आप देख सकते हैं मैं इसी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप किसी भी तरह का हेयर पैक का इस्तेमाल करते हैं, मेहंदी का एप्लीकेशन करते हैं अपने बालों के ऊपर, तो उसके बाद ऑयलिंग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे हमारे बालों को भरपूर न्यूट्रिशंस मिल जाता है, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं और हमारे बालों को पूरी तरह से जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो मिल जाते हैं। इससे हमारा हेयर ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने लगता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी ऑयलिंग करने से हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेटर से मैं इस ऑयल को बहुत आसानी के साथ लगा पा रही हूँ गाइज, आप देख सकते हैं। और इस एप्लीकेटर के इस्तेमाल से आपके बालों की जड़ों के अंदर तक ये ऑयल अच्छी तरह से पहुँच जाता है। ये मेड इन इंडिया है, वाव के जितने भी प्रोडक्ट हैं गाइज मेड इन इंडिया हैं, किसी भी तरह का सल्फेट, पैराबीन या फिर केमिकल मिनरल्स ऑयल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, 100% नेचुरल है, प्योर है, ऑर्गेनिक है। तो इस तरह के एप्लीकेटर के साथ ये अमेजिंग सा हेयर ऑयल आपको मिलता है। अगर आप भी किसी अच्छे से हेयर ऑयल की तलाश में है तो इस हेयर ऑयल को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। जब से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे अपने बालों में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आया है, इसके अलावा मेरा हेयर फॉल भी कंट्रोल हुआ है। तो इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइस, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आज का मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपके हेयर ग्रोथ नहीं होती है और वक्त से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो इस हेयर पैक का हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहद अमेजिंग रिजल्ट अपने बालों के ऊपर नज़र आने लगेंगे। इसके अलावा ये आपके बालों को भरपूर न्यूट्रिशंस देगा, ठीक है। तो ये हेयर पैक आप इस्तेमाल करें और प्लीज़ गाइस आपको जो भी रेमेडी का रिजल्ट मिलता है मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करिए क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। आप जब ये बताते हैं ना कि दी आपकी इस रेमेडी का मुझे ये रिजल्ट मिला है, तो उस वक्त मुझे जो खुशी होती है ना उसको मैं बयान नहीं कर सकती। तो प्लीज़ रेमेडीज़ का रिजल्ट बताना ना भूला करिए। अगर आप मेरे साथ अपनी इस्तेमाल की हुई रेमेडीज़ का रिजल्ट शेयर करते हैं, फीडबैक शेयर करते हैं, तो आपके नाम के साथ उसको मैं अपने वीडियो में ऐड ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक करना ना भूला करिए, आपका लाइक मेरे लिए बेहद मायने रखता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे उससे ढेर सारी मोटिवेशन मिल जाती है, ढेर सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है आप सबके लिए अच्छा करने की, और मुझे देखकर अच्छा लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लिंक को शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त अमेजिंग से कंटेंट के साथ या फिर किसी ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय।